राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए जमैका पहुंचे। उनके नॉर्मन मैनले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किंगस्टन पर उतरते ही जोरदार स्वागत हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। भारतीय मूल के लोगों ने जमैका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हुनल्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रियर एडमिरल एंटोनेट वेमिस कॉमन, जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक क्लिंटन एलन, जमैका में भारत के उच्चायुक्त आर मासोकोई और उनकी पत्नी जिक्चा वॉन रुंगशोई राष्ट्रपति कोविंद के स्वागत के लिए उपस्थित रहे। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रपति 15 से 21 मई तक दो कैरिबियाई राष्ट्रपति 15 से 21 मई तक दो कैरिबियाई देशों के दौरे पर हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति कोविंद भारत के कैसे पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। जमैका में 70,000 की संख्या में प्रवासी भारतीय हैं जो भारत के साथ एक जीवन सेतु का काम करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि 2022 भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60वीं वर्षगांठ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।